हाय गाइस, मैं हूं आयुष और मैं आज आपके लेके आया हूं ऐसे बटरफील्ड की फिल्मी करियर के ऊपर वीडियो। ये वीडियो काफी खास होने वाली है अगर आप उनके फैंस हैं तो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को नए आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर देना ऑन। इस चैनल पर मिलती है आपको ढेर सारी अपडेट्स, वो भी हॉलीवुड से। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, ऐसे मैक्सवेल की शुरुआती लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे मैक्सवेल का पूरा नाम वैसे तो ऐसे मैक्सवेल थॉरनटन बटरफील्ड है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1997 इंग्लिस्टियन लंदन के शहर में हुआ है और ये अब 24 साल के हैं। इस इतनी ही कम उम्र में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। उनका एक्यूपेशन एक एक्टर है और वो साथ साथ थोड़ी बहुत गेमिंग भी करते हैं। गाइस, बटरफील्ड ने अपना एक्टिंग करियर महज 7 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिस्टियन के थिएटर में ही उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। बाद में उन्होंने 2006 में एक टेलीविजन ड्रामा शो में आर्थर थॉमस और 2007 में सन ऑफ रैम्बो में माइनर रोल्स प्ले किए थे, जिसमें आर्थर थॉमस में उन्होंने एंड्रू का कैरेक्टर प्ले किया था। 2008 में उन्हें एक गेस्ट रोल मिला एसीएस टू एसीएस जैसी टीवी सीरीज में और इसमें उन्होंने डैनी का कैरेक्टर प्ले करा। उसी साल यानी जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने द बॉय इन द स्ट्रॉइड पजामास में मेल लीड कैरेक्टर प्ले किया। उस फिल्म के डायरेक्टर मार्क हरमन ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे क्योंकि बटरफील्ड को कास्ट में चुना गया था हंड्रेड्स ऑडिशंस के बाद, क्योंकि हंड्रेड्स चिल्ड्रन ने इस मूवीज के लिए ऑडिशन दिया था और बटरफील्ड ऑडिशन में फर्स्ट राउंड पे ही आए थे। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी इनके लिए क्योंकि उन्होंने 100 बच्चों को बीट किया था इस करेक्टर के लिए। प्रोड्यूसर डेविड हरमन और डायरेक्टर मार्क हरमन ने इसी फिल्म के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश कर रहे थे जिसके चेहरे पे वो मासूमियत इनोसेंस दिखाई जा सके, इसीलिए हर बच्चे से उन्होंने कई सवाल पूछे जैसे कि होलोक्रास्ट क्या है, मगर बटरफील्ड की नॉलेज स्लिम होती जिसकी वजह से इनोसेंस उनके चेहरे पे इजीली दिख रही थी और इसीलिए डायरेक्टर ने उन्हें इजीली सिलेक्ट कर लिया। बाद में बटरफील्ड ने अपनी एक्टिंग से 100 बॉयज को बीट करते हुए मिस्टर नोबडी मूवी के ऑडिशन में भी अपना सिक्का जमा लिया था और एक शॉर्ट रोल के लिए इस मूवी में उन्हें अच्छा खासा रोल मिल गया था, लेकिन आगे के लिए उन्हें नहीं चुना गया था। 2008 में बटरफील्ड अपीयर हुए थे मार्टलिन एपिसोड द बिगनिंग ऑफ द एंड। उन्होंने इसमें एक यंग ड्रेड बॉय का कैरेक्टर प्ले किया है। 2010 में उन्होंने द वुल्फ मैन में भी अपना छोटा सा गेस्ट रोल प्ले किया है। 2010 में एक बार फिर से उन्होंने नैनी मैकपी एंड द बिग बैंग मूवी में नॉर्मन ग्रीन का रोल प्ले किया था, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले। और जब बटरफील्ड 13 साल के हुए तब जाकर उन्हें मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्म हैगो में उन्हें बतौर मेन लीड करेक्टर हैगो कार्बेट का रोल प्ले किया। इस मूवी ने 5 ऑस्कर अवार्ड को अपने नाम किया है और यहाँ से बटरफील्ड को एक नई डायरेक्शन मिली। 2013 में फिर से नोबल पर बेस्ड मूवी एंडर्स गेम के लिए उन्हें कास्ट कर लिया गया। मूवी को रिलीज होने के बाद उन्हें ब्रिटिश ड्रामा एक्स प्लस वाई के लिए इमीडिएटली कास्ट कर लिया गया और यहाँ से उन्हें वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी गेन करना स्टार्ट करा और इसमें उन्होंने एक नॉर्थन एटलीस का करेक्टर प्ले किया है और ये मूवी 2015 में यूके में रिलीज हुई और लोगों ने इस करेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इसीलिए बटरफील्ड को BIFA की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। 2013 में उन्हें लगातार फिल्मों के लिए साइन करा जा रहा था जिसमें किंग ऑफ कैटल, द वाइट सर्कस एंड द 10,000 सेंट्स शामिल हैं। नोव 2015 में उन्हें शैन कॉटविंस की थर्ड फिल्म द मॉडर्न ओशन के लिए साइन किया गया। 2016 में मिस प्रिग्रिन्स होम फॉर पिक्यूलरी के चिल्ड्रन मूवी में पोर्टमैन का रोल प्ले करा है। उन्होंने इस मूवी से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 2017 में उन्होंने एक साइंस फिक्शन मूवी द स्पेस बेटवीन अस में गार्डनर एलॉयड का रोल प्ले करके काफ़ी लोगों को ये दिखाया कि वो अपनी एक्टिंग से कितनी ज़्यादा लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस मूवी को 85% लोगों ने पसंद भी किया और उसी साल पीटर लेविस्की के डायरेक्शन में बनी मूवी द हाउस ऑफ टमोरो में उन्होंने सेबोस्टीन का रोल प्ले करके लंदन में काफ़ी ज़्यादा अपना दबदबा बना लिया। और फाइनली
2018 में मेन लीड रोल नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज सेक्स एजुकेशन के लिए उन्हें चुना गया और इससे उन्होंने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी को तुरंत हासिल कर लिया। काफ़ी ज़्यादा लोग उन्होंने पसंद करा। इस मूवी में उन्होंने ओटिस का कैरेक्टर प्ले करा है और इस मूवी सीरीज में उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। जिस तरह उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है वो काफ़ी बड़ी बात है। इस मूवी का नया सीजन 2019 में आया था और उसको भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। फन फैक्ट की बात ये है गाइस, बटरफील्ड को म्यूजिक का काफ़ी ज़्यादा शौक है, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मैशअप ऑफ द सॉन्ग्स को रिलीज भी किया, जिसमें टीनेज डायरेक्ट बैक मैकिंग प्लान्स फॉर नाइगेल शामिल है। उनका म्यूजिक ग्रुप भी है जिसका नाम उन्होंने मैम्बो फ्रेश रखा है। 2017 में उन्होंने टफ एक्टिंग के लिए एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, वो भी द रियल सीन एक्टिंग स्कूल जो लंदन में है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस स्कूल है। स्कूल से बाहर आने के बाद उन्होंने डैन केम यू जैसी मूवी दी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और फिर उन्होंने द फ्रीक श्लॉटन हाउस रूल में मेल लीड करेक्टर करके ये दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अभी बने हुए हैं गाइस और इनकी 2019 में द ग्रीड जैसी फिल्मों में कास्ट करा गया है। गाइस बटरफील्ड को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे जिनमें से कुछ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर और यंग आर्टिस्ट अवार्ड, और 2015 में उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर। गाइस इनकी सारी मूवीज आपको नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे इजीली मिल जाएगी, आप इस मूवी को देख सकते हैं। और इनकी अगर आप फैन है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में मिलती है आपको ढेर सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन, वो भी हॉलीवुड से।